अब विष्णु भगवान सुन रहे थे, उन्होंने कहा सुदर्शन को तो अहंकार आ गया कि मेरे बिना वो राक्षसों को मार नहीं सकते। सभी ऋषियों को बोलने के बाद भगवान विष्णु सब लोग चले गए कि सुदर्शन जो कहता है बहुत सच है, मैं बिना सुदर्शन के तो किसी राक्षसों को आज तक मारा नहीं और हुआ नहीं, तो तुम सुदर्शन की प्रशंसा क्यों नहीं करते हो। नारद सारी महर्षि सब लोग एकदम परेशान हो गए और अब विष्णु को क्या जवाब दे ये भी नहीं रहा और उनको कुछ भी कहे ये भी नहीं रहा। तो उनने कहा कि मैं विष्णु की प्रशंसा सुदर्शन की प्रशंसा करने के लिए सुदर्शन को मैं अवतार देता हूँ और उसको भगवान बनाता हूँ, जैसे मेरी पूजा होती है और सुदर्शन का भी अवतार होगा और उसकी भी पूजा होगी। सुदर्शन बहुत खुश हो गया कि अवतार हूँ। वह पृथ्वी पर पैदा हुआ कार्तिकवीर अर्जुन के नाम से, सहस्त्र अर्जुन के नाम से सुदर्शन पैदा हो गया और सुदर्शन जैसा ही हुआ वो दत्तात्रेय जी के पास से उसने दीक्षा ली। दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का अवतार कहे जाते हैं उनके पास दीक्षा ली और कार्तिकवीर इतना श्रेष्ठ हुआ, इतना श्रेष्ठ हुआ कि उसको हराने वाला कोई नहीं था। रावण जैसे आदमी को भी वो एक मिनट में बांध कर ले गया था, अपने गाड़ी का ड्राइवर बना दिया था रावण को, इतना श्रेष्ठ था। वो कहता था जहाँ वर्षा नहीं होती थी, कहता था कि वो यहाँ उसको पता चला कि यहाँ वर्षा नहीं हुई तो सारे मेघों को अपने हजार हाथों से एक बार लेके आ जाता था, यहाँ वर्षा नहीं हुई सारे मेघों को इकट्ठा करके आकाश में उड़ जाता था और जहाँ वर्षा नहीं उसमें एक के ऊपर एक मार मारता था कि वहाँ वर्षा हो जाती थी, इतना श्रेष्ठ था कार्तिकवीर कितनी श्रेष्ठता थी। तो ये बात हुई तो दत्तात्रेय जी ने जब कार्तिकवीर ने कहा कि मैंने तुझे सब विद्या सिखा दी है अब तू जाकर राज्य कर सकता है, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि तू पूछ ले तुझे एक बात मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं तपस्यारत में गुरु हूँ लेकिन तपस्यारत हूँ, तुझे जो भी इच्छा है तू मांग ले। गुरु का शिष्य था, उसने आंख मूंद ली और कहा कि उनने कहा कि मैं इस संसार में जहाँ भी लूटा जाता है किसी को, चोर उचक्के होते हैं उनको मैं वहीं दंडित करूँ, यह विद्या मुझे प्रदान करो। तो दत्तात्रेय ने तथास्तु कहा और कहा कि मेरे सामने कोई ऐसा योद्धा टिके नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मैं जो चाहूँ उसको प्राप्त कर सकूँ और मैं जो चाहूँ वो काम हो सके, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। उन्होंने कहा ठीक है वैसा ही होगा। तीसरा तो आपकी तरफ से मुझे आशीर्वाद दो। तो दत्तात्रेय ने कहा जातस्य मरणं त्वं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू इतना बड़ा महान योद्धा हो गया, तू सभी को जीता सभी को हारा, लेकिन एक बात याद रख, जब किसी के ऊपर अन्याय से किसी के ऊपर किसी को मारता है तो उस अन्याय से तेरे को मारते हमारा एक योद्धा ही तुझे मारेगा, तेरी मृत्यु होगी उसी हाथ से। कार्तिकवीर अर्जुन ने नमस्कार करके आगे आया। वही कार्तिकवीर अर्जुन सारे संसार को षट चक्रवर्तियों में कार्तिकवीर अर्जुन का भी नाम लिया जाता है। वो बहुत दिन पालन करने के बाद एक दिन जो एक बार वो जमदग्नि जी के आश्रम में गया और उसने देखा कि वहाँ कामधेनु है, उनको परोस रही है, उनको देख रहा है। तो कामधेनु और उन ऋषियों को देखकर कामधेनु के बल से उन्होंने जब उन राज्यों के राजा कार्तिकवीर को सब परोसा, सब कुछ देखा, तो कहा कि ये तुम्हारे पास है ऋषि, ये कामधेनु तुम्हारे पास रहने के लायक नहीं है, कामधेनु मुझे दे दो मैं ले जाऊँगा। तो कहा कामधेनु कहते हैं कि मेरे तपस्या का फल है, मैं तुझे नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं दे सकते, मैं राजा हूँ, मुझे खींच के ले जाने की भी अधिकार, प्रयत्न कर ले खींच ले। वो कामधेनु को खींचने गया तो उसके एक बल से उन्होंने देखा कि वो उसके सारे सैन्य हार के भाग गए। अब वो भी देखा कि तब उन्होंने कहा कि धिक क्षत्रिय बलम, ब्रह्म शक्ति के सामने क्षत्रिय का कोई ताकत नहीं है। और वो ब्रह्म शक्ति के बारे में विचार करने लगा तो उसने कार्तिकवीर अर्जुन ने देखा कि ऐसा नहीं, उसने कार्तिकवीर अर्जुन ने बहुत प्रयत्न किया कि देखते रहा। अब जब जमदग्नि महर्षि को उस समय के श्रेष्ठ ऋषि कहलाए जाते थे, उन्होंने कार्तिकवीर अर्जुन से उनसे दुश्मनी मोल ली और कार्तिकवीर अर्जुन अपने राजाओं के साथ आता था, उसने कहा भी इसको टॉर्चर करना कर दे, कार्तिकवीर अर्जुन को टॉर्चर करना सीख ले तो वो हो कि वो कामधेनु हमें दे देगा। कार्तिकवीर अर्जुन आया और एक बार नहीं 10 बार आया और एक कहा हे जमदग्नि महामुनि, मैं राजा हूँ यहाँ का, तो मुझे पुरोहित चाहिए मेरे घर में पूजा करने वाला और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुरोहित बन जाओ, तुम मेरे घर में पूजा करो पुरोहित के रूप में। तो राजा के पास पुरोहित करना तो उनके पास दक्षिणा लेनी पड़ती है, उनके पास करना पड़ता है। तो जमदग्नि का गलती से भी मैं तेरा पुरोहित नहीं बनूंगा। वहाँ के दूसरे ऋषि थे उनके पास और भारत के चवन आदि बहुत सारे ऋषि थे, उन सभी को भी
भद्रा नाम का शिष्य था, उन सभी को बुलाया गया कि तुम मेरे शिष्य हो जाओ। तो कोई ने कहा मेरे गुरु नहीं मानते तो हम कैसे। तो कार्तिक विराजन जमदग्नि महर्षि के सामने उन ऋषियों को जो जमदग्नि शिष्य तो एक एक को काटने लगा, कहा कि तुम्हें मानना ही होगा, तुम मेरे पुरोहित बन जाओ। जमदग्नि महामुनि देखने लगे कि ये ऐसा ही सताते रहा तो कैसा हुआ, और जमदग्नि महामुनि किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये बात महर्षि वशिष्ठ को मालूम हुई, और महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा कि कार्तिक विराजन तू जो कर रहा है वो गलत है। उसने कहा मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी को भी जाकर कहता है कि वो नहीं आता है तो तुम्हारा नाम भी बड़ा है, तुम मेरे घर के पुरोहित बनो। वशिष्ठ ने कहा हम आश्रम में रहने वाले ऋषि हैं, वेदों के यज्ञ हवन आदि करते हैं, हम तुम्हारे पास पुरोहित बनकर नहीं आ सकते। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को भी झाड़ को बांध दिया और कहा कि तुम मानते हो मेरे आने की बात, तुम मेरे पास आओगे या तुम्हें इस तरह मैं अने बाणों से टॉर्चर करके एक एक हाथ काटते हुए तुम्हें मारूंगा। वशिष्ठ ने कहा मैं नहीं आऊँगा। और वशिष्ठ जी जैसा ही अपने ब्रह्मा को स्तुति करते हैं और वो झाड़ को बांधता है तो उसके सामने ही अदृश्य हो जाते, निकल जाते। तो ब्रह्मांड में वशिष्ठ जी को ढूंढने के लिए अपनी सारी शक्तियों को भेज देता है कि वशिष्ठ महर्षि कहाँ है। वशिष्ठ महर्षि अदृश्य हो गए, लेकिन जब जमदग्नि महामुनि के पास आते हैं तो जमदग्नि महामुनि उसको डर लगता है कि जमदग्नि को भी मैं ऐसा करूँगा तो वे भी वशिष्ठ के जैसे भाग जाएंगे और मेरा काम नहीं होगा। ऐसे ही ऋषि सब भाग गए तो मेरा काम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जमदग्नि को तो बांध देकर गोल अग्नि लगाया और एक शिष्य को रखा, तुम मेरे पुरोहित हो बनने की जब तक बात नहीं मानते तब तक मैं तुम्हें इसी तरह का टॉर्चर करूंगा। माता रेणुका भी बेटी थी और उसने वो टॉर्चर देखा था। और तब परशुराम जी तपस्या रत थे, तब जमदग्नि ने कहा हे कार्तिक विराजन तू सुधर जा, मेरा राम अगर आएगा तो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा तेरा राम है कहाँ, हिमालय पर्वत ने तपस्या कर रहा है सिंधु नदी के, सप्त सिंधु नदियाँ थी पहले और सप्त सिंधु में एक ही सिंधु नदी है जो नर्मदा के पास बहती थी और वहाँ सप्त सिंधु का राज्य आज का पाकिस्तान वगैरह है, वहाँ सिंधु नदियाँ सप्त सिंधु नदी के नाम से बहती थी। तो वहाँ परशुराम जी साधनारत थे। तो कार्तिक ने अपने सारे शिष्यों को कहा था वो भार्गव वो परशुराम जहाँ भी उसको पकड़ के लाओ। जितने भी सिंधु नदी के पास जा गए लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके जहाँ परशुराम जी तपस्यारत थे। और यह यहाँ जमदग्नि महर्षि को और रेणुका माता को ये रोज टॉर्चर कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि मेरा राम आएगा। जिस दिन उनको बाणों से बीन दिया था कार्तिक विराजन ने और कहा कि तुम्हें देख लूँगा, तो उस समय उन्होंने फिर राम की याचना की, राम को बुलाया। तो परशुराम जी जब आकर देखते हैं कि अपने पिताजी को कार्तिक विराजन इस तरह बांध कर रोज टॉर्चर कर रहा है, जो रोज कष्ट पहुँचा रहा है, तो परशुराम जी आकर कहते हैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी ऋषि मुनियों को कष्ट पहुँचाने में कार्तिक विराजन चक्रवर्ती होने के कारण उसके सामंत भी जो राजाओं ने उसको साथ दिया है उन एक भी राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो ऋषियों को मार दिए हैं, जो पुरोहितों को मारे हैं, जो यहाँ के लोगों को मारे हैं। उसने प्रतिज्ञा ली और कार्तिक विराजन को अपने पिता के सामने ही मार गिराया, उसके हजार हाथ तोड़कर उसको मारा और कहा कि आगे के जीवन में इस प्रकार अन्याय करने का कभी धाड़स न कहना। तो जब वो मर के जा रहा था तो उसका अवतार समाप्त हो गया था कार्तिक विराजन का, और वो एकदम सुदर्शन अवतार हो गया और भगवान परशुराम को नमस्कार कर रहा था। तो परशुराम देखकर हंसकर कहते हैं क्या हुआ सुदर्शन, तू क्यों नमस्कार कर रहा है, तेरे वजह से ही सभी राक्षसों को मारते हुए आया, तू ही करता था ना, अब कहाँ है। तो आप देखते हैं कि जब सुदर्शन अवतार में, ये सुदर्शन अवतार राम अवतार में भी थी और कृष्ण अवतार, तब तक विष्णु ने कहा कि सुदर्शन तुझे ये घमंड था कि मेरे थीमा में राक्षसों को नहीं मारूंगा। तो आपने देखा है कि राम अवतार में केवल धनुष ने, राम ने कभी भी सुदर्शन अवतार किसी राक्षसों को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, और बाद में परशुराम अवतार में भी परशु से मारा लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं मारा। तब कार्तिक विराजन अपना सुदर्शन अवतार लेकर भगवान परशुराम की शरण जाता है, कहता है कि मुझे क्षमा करो, मेरे में अहंकार हो गया था, आप मुझे स्वीकार करो। तो तब उन्होंने अगले अवतार कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र की को अपने पास किया था। तो मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि हम जो भी कार्य करते समय अहंकार युक्त काम न करें। अहंकार किसी का भी काम नहीं करता जो अपने गुरु को, परशुराम कल्पसूत्र में परशुराम जी कहते हैं जो अपने गुरु को नित्य खाना खिलाता है, लोक कल्याण करता है, अपने गुरु जब तक सोता नहीं तब तक नहीं सोता,
अपने गुरु की पाद सेवा करता है, अपने गुरु से लेता है, वह उसके सामने देवता आकर खड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ के पुंडरीक नाम के जो एक विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट भक्त हुए जो अपने माता पिता की सेवा करते थे, तो उनके लिए साक्षात विठल विष्णु के रूप में विठलेश्वर जो पांडुरंग है उनको आना पड़ा। तो यह गुरु के रूप में तुम जिसको भी स्वीकार करते हो, उसको जिसकी विशिष्टता के साथ सेवा करते हो, जिसको इसकी श्रेष्ठता में तुम किसी प्रकार की कमी न करते हो, देवता ही तुम्हारे घर के सामने खड़े होंगे। लेकिन गुरु के सामने एक बात करना, गुरु के पीछे एक बात करना, गुरु के पीछे नहीं करना, ये बात नहीं। तब अगस्त्य महर्षि को कहते हैं, अगस्त्य महर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वैसा शिष्य नहीं बनाना। और परशुराम जी के कहने के बाद अगस्त्य महर्षि को कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम वैसे नहीं होगे। तो एक बार परशुराम जी निद्रा आते रहती, तो अगस्त में सोता हूँ, तो अपनी जंघा देकर कहते हैं कि तुम मेरी गोद में सो जाओ प्रभु। तो जैसा ही गोद में सोने की बात कहते हैं, तो अगस्त को पता है कि कर्ण को किस प्रकार श्राप मिला था। तो अगस्त्य परशुराम जी सोते हैं, तो वो एक घंटे में एकदम परशुराम उठ कर कहते हैं, अगस्त्य तुझे एक काम पर जाना है। बोले क्या? कि सगर के पुत्र जो रोज ऋषियों को मारते हैं और जाकर समुद्र में छिप जाते हैं, वो सगर पुत्र पूरे समुद्र में छिपे हुए हैं और वो देवताओं को नहीं मिल रहे, किसी को नहीं मिल रहे हैं, और उनको तुम्हें उनकी रक्षा करना है। बोले प्रभु, मैं किसे किस प्रकार रक्षा करता हूँ? महर्षि अपने परशुराम जी कहते हैं, अगस्त्य तो समुद्र के पास जा और तेरे गुरु को प्रार्थना कर, तुझे पता चल जाएगा कि तुझे क्या करना है।